पंचेंद्री के विषय भोगों को भले ही कितने ही असली मानो, वे हैं नकली, चाहे कुछ कर लो, वे सब टिकने वाले, जैसे वो आर्टिफिशियल गोल्ड टिकने वाला नहीं है, दो चार छः आठ महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसे पंचेंद्री के विषय वो बिल्कुल वैसे ही है। और अतिंद्रिय सुख कैसा है? वो सदा काल रहेगा, एक बार प्रकट हो गया तो कभी नाश नहीं होगा। ऐसा अतिंद्रिय आनंद भोगने वाले मुनिराज वे भोगी हैं कि हम ये जो थोड़े बहुत इंद्रियों के भोग भोग लेते हैं तो हम भोगी हैं? कौन हुआ भोगी? वे भोगी। और वे त्यागी हैं कि हम? उनने तो आर्टिफिशियल चीजों का त्याग किया, हम तो असली चीज का त्याग कर रहे हैं, तो त्यागी कौन हुआ? उनने क्या छोड़ा? पंच इंद्री के विषय वो जिनमें कोई दम ही नहीं थी, और हमने छोड़ा अतिंद्रिय आनंद, तो त्यागी कौन हुआ? हम। ऐसी व्याख्या सुनी रमेश जी, सिर घूम जाता है। मुनिराज भोगी और हम योगी, समझ में आया? गजब की बात हो रही है। समझ जाएगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे। भाई मुनिराज जितना सुखी है, मुनिराज जितने आनंद में है, अभी हमें और आपको पता ही नहीं है। हम तो भ्रम से अपने को सुखी मानते हैं और मुनिराज को दुखी मान लेते हैं कि साहब घोर साधना कर रहे हैं। कोई घोर घोर साधना नहीं हो रही, इस शब्दों को हटा दो, मुनिराज तो घोर आनंद पी रहे हैं, अमृत पीते हैं पूरे टाइम। और जो मुनिराज दुखी हो वो मुनिराज नहीं, जो साधु संत अपनी तपस्या का रोना रोते हो वे साधु नहीं, जो पंडित अपने ज्ञान का पंडित बताता हो अहंकार रखता हो वो पंडित नहीं। तुम्हें भी अपनी क्रियाओं का नशा चढ़ गया हो ना, तो तुरंत उतार दो उनको, वे तुम्हें जहर है, वे जहर का काम करेंगे। जैसे दवाई एक्सपायरी होने के बाद दवा का काम नहीं करती, काय का काम करती है, ऐसे ही तुम्हें पूजा पाठ का, स्वाध्याय का, त्याग व्रत का, क्रियाकांड का, दान का अगर घमंड आ गया हो, अगर अहंकार आ गया हो, तो समझ लेना अब ये अमृत नहीं है, वे सब जहर हो गया है, इसी समय छोड़ दो। ख्याल में आए कि नहीं? क्योंकि ये जो अहंकार है ये पूरा जीवन दुखदायी बना देता है, और हमारा जीवन पूरा अहंकार में लगा हुआ है, पूरा जीवन। और तुम्हारा और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का, जो ज्ञानी धर्मात्मा नहीं हुए हैं वो सब अहंकार में मर रहे हैं।